सनातन शास्त्रों में माँ की महिमा का बखान है। शारदीय नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा अपने भक्तों के दुख दूर करने धरती पर आती है। साधक शारदीय नवरात्र के दौरान भक्ति भाव से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और इन 9 दिनों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही माँ दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। इसी के चलते ग्राम बटका खापा में महामाई खेड़ापति माई दरबार में विराजित माँ जगत जननी के स्वरूप और नव दुर्गा उत्सव समिति आवास गृह शिक्षा कॉलोनी दुर्गा उत्सव समिति और फॉरेस्ट दुर्गा उत्सव समिति के विभिन्न स्थलों पर विराजमान माता के स्वरूपों की धूमधाम से महाआरती और प्रसादी कर 10 दिन पर दशहरे के उपलक्ष्य में जगह जगह पर विशाल भंडारे और मां के जगराते कर दशहरे मेले का आनंद उठाते भक्त नजर आते हैं। वहीं श्री खेड़ापति माता मंदिर में भक्तों के द्वारा मनोकामना ज्योति कलश भी स्थापित करवाए गए हैं। वहीं कार्यक्रम आयोजित समितियों द्वारा माता की विभिन्न चौकियों पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे माँ खेड़ापति माता मंदिर में आदर्श रामलीला, मन को रुझाते माता के गीतों की सुंदर प्रस्तुति को भक्तों द्वारा झूमते नाचते हुए माता को इस वर्ष की अंतिम विदाई देकर विसर्जन किया गया। इन पवित्र दिनों में माता रानी के भक्तों के शरीर में माता के भाव आते हैं, जिन्हें देवी माता कहा जाता है। इसके साथ ही नवरात्रों में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के दिनों में भगवान शिव जी के पूजन का भी विशेष विधान है। वहीं चल समारोह के साथ श्रद्धालुओं का जन समूह विसर्जन स्थल पहुंचा, जहां मां भगवती की आरती कर उन्हें नरसिंहपुर से बुलाई गई क्रेन से उठाकर जल में प्रवाहित कर दिया गया। जगनेन जगन्मय जनत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सा चन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा गंगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आञ्जन्याय च विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि।